नमो नमः। आज आम पढ़ा कौन ना विभक्ति विषय। ये विभक्ति कौन ना विभक्ति क्या कह जाए ना देख डेफिनेशन कहला संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति अर्थात संख्या अर्थात पद मानकर संख्या बा परिमाण तथा कारक माने कौन क्रियान्वयितम कारकत्वम माने वाक्य रे क्रिया सहित जो पदर साक्षात संबंध थाए ताकु कौन कह जाए ना कारक कह जाए। पदमानकर संख्या बा परिमाण तथा कारक को आम जाऊ माध्यम रे बुझी परिबा ताकु कौन कह जाए ना विभक्ति कह जाए। से कौन कह जाए ना संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। ये कारक को आम केमिति जानिया ना देखो आम साधारण रूप से आम धर कह जन को मु डाकिबे हे विष्णु माने कौन विष्णु कहला माने जे साधारण कौन सी विष्णु नामधारी कौन सी व्यक्ति को डाकुची बोली जना जीव किंतु जेपंत मु भगवान विष्णु न कहिचे हमको जना पड़ो ना जे मु भगवान विष्णु को नाम नेली कि साधारण मनीष नाम नेली तेणुकरी जो भाई भगवान विष्णु कहला परे मु जना पड़ जाऊँ जे मु भगवान विष्णु को नाम नेली से भाई कारक को जाणिया पूर्व आम विभक्तिर ज्ञान निहाती भाव दरकार केमिति ना चल देखिया फास्ट आम देखिया विभक्ति केते प्रकार ना सात प्रकार कौन कौन ना प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचम विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति। ठीक अच्छे ये आज पढ़िया कौन ना ये विभक्ति तथा ये विभक्ति कौ विभक्ति कौ कारक एवं सेमानकर ओडिया रे चिन्ह कौन एवं तार उदाहरण सहित आज आम यही कालांशे पढ़ा गोटे कथा कही रखी भिड को आपड़ शेष पर्यंत निहाती देखिए विभक्ति विषय आपणकर डाउट रही ही ना जी भिड पसंद लगुता है निहाती भाव में लाइक करेंगे मोर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सांग मानक सेयार करने को बिलकुल भी भूल चलो ये देखा विभक्ति मानकर कारक एवं ओडिया से मानकर चिन्ह कौन एवं गोटे संस्कृत गोटे उदाहरण नहीं कि देखा ना देख प्रथम विभक्ति कहले कौन कर्ता कारक मान प्रथम विभक्ति जो भाई आम कहले कारक चिन्ह पूर्व आम विभक्ति ज्ञान अत्यंत आवश्यक तेणुक देख प्रथम विभक्ति मान कर्ता कारक द्वितीय विभक्ति कर्मकारक तृतीय विभक्ति करणकारक चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पंचमी विभक्ति उपादान कारक सम्बन्धे षष्ठी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक एवं संबोधन आम कारक मुख्य रूप से छ प्रकार कौन कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण। ठीक अच्छे षष्ठी विभक्ति केवल सम्बन्ध रोज है ना चलो देखा एम एवं देखा ओडिया विभक्ति को आम चिन्ह कौली ना से चिन्ह देख प्रथम विभक्ति कौन ना टी टा ए माने गुड़िक गुड़ाक द्वितीय विभक्ति कु मानकु तृतीय विभक्ति रे द्वारा दे मानक दे चतुर्थी विभक्ति कौन दानार्थे चतुर्थी आम साधारण कहते कौन दानार्थे चतुर्थी माने दान अर्थे चतुर्थी तार चिन्ह कौन ना कु मानकु पाई सकाशे निमंते पंचमी विभक्ति कौन ना रुठु ठारु मानक ठारु षष्ठी विभक्ति चिन्ह कौन ना रंग कंग कर मानकर सप्तमी विभक्ति कौन रे ठी ठारे मानक ठारे अंतिम संबोधन कौन रे अरे हे आहे। चलो ए उदाहरण देखा कौन ना मुवल बालक शब्दर प्रत्येक विभक्ति एक वचन को नहीं लिखी आम डिस्कस करवा दुई वचन एवं बहुवचन को नहीं कहीकि डिस्कस करवा किंतु मुझी केवल प्रत्येक विभक्ति बालक शब्दर एक वचन को। ठीक अच्छे चलो देखा कौन ना फास्ट धर बालक मान कौन गोटे बालक बालक टी चले बालक मान कौन दुईट बालक बालक मान कौन बालक मान से द्वितीय विभक्ति कौन ना बालकम बालकम मान कौन बालक कु से बालक मान कौन दुईट बालक कु बालक मान कौन बालक मानकु से तृतीय विभक्ति कौन ना बालकेन मान कौन बालक द्वारा बालक दे बालकेन तार द्विवचन कौन ना बालकाभ्याम तार बहुवचन कौन बालकाई ही से बालक ही मान कौन बालक मानक दे बालक मानक द्वारा सेपाई कौन कह जाए रे द्वारा दे मानक दे से चतुर्थी विभक्ति कौन ना बालकाय बालकाय मान कौन बालक कु मान दानार्थे बा सकाशे बाई। ठीक अच्छे तार दुई वचन कौन ना बालकाभ्याम बहुवचन बालकेभ्य बालकेभ्य मान कौन बालक मानकु
ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ବାଳକାତ୍। ବାଳକାତ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବାଳକ ଠୁ ବା ବାଳକ ଠାରୁ। ତାର ଦୁଇ ବଚନ ବାଳକାଭ୍ୟାମ, ତାର ବହୁ ବଚନ ବାଳକେଭ୍ୟହ। ମାନେ କ'ଣ ବାଳକେଭ୍ୟହ ମାନେ କ'ଣ? ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାଳକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେହିଭଳି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ନା ବାଳକସ୍ୟ। ବାଳକସ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ବାଳକର, ଠିକ୍ ଅଛି। କର ମାନଙ୍କର କେମିତି ହବ ନା? ତାର ଦୁଇ ବଚନ କ'ଣ? ବାଳକସ୍ୟ ହଉ, ବାଳକ ଇଏ ହଉ, ବାଳକା ନାମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଳକା ନାମ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ବାଳକମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନ ମାନେ ତାର ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ବଚନ ଅନୁସାରେ ତାର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଗଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ? ବାଳକେ, ବାଳକ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ? ବାଳକ ଠାରେ। ତାର ତାର ଦୁଇ ବଚନ ବହୁ ବଚନ କ'ଣ ନା? ବାଳକେ ବାଳକ ଓହୋ ବାଳକେଶୁ। ସେଭଳି ବାଳକେଶୁ ମାନେ କ'ଣ? ବାଳକମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ବୋଧନ ତ ସମ୍ବୋଧନ ତ, ହେ ବାଳକ ହେ ବାଳକ ହେ ବାଳକ। ହା, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ମନେ ରଖିନେଲେ ମାନେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବା କାରକ ଆମକୁ ଜାଣିବାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଇଏ ବିଭକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Thanks for watching this video.